हेलो एवरीवन, कैसे दोस्तों, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स वाणी में। मैं हूं आपके साथ नया, और आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं एक नए बैट का अनबॉक्सिंग करने के लिए, जो बहुत ही स्पेशल बैट है। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा पूरे यूट्यूब टीम को, जो इतने कम टाइम में जो है 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुके हैं। ये आपका प्यार ही दिखाता है, जिसकी वजह से जो है आज मैं यहाँ फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो मेरे पास एक जो ये वाला बैट है, जो जिसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, ये बैट जो है रावण बैट है बाई सैम स्पोर्ट्स। ये बेसिकली इसका जो मैन्युफैक्चरर है ये मेरठ से है। तो मैं सबसे पहले जो है आपको दिखाता हूँ अनबॉक्सिंग करके, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस बैट के बारे में। चलिए मैं सबसे पहले आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको बैट का ये पता चल पाएगा किस तरह का बैट है। बहुत ही स्पेशल बैट है सुनने में आया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ बैट को। ये बैट है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं फुली कवर है प्लास्टिक के रैपर से, सेफ्टी के साथ इसको पैक किया गया है। ये बैट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही फ्रेश फील हो, एकदम न्यू लग रहा है। ऐसा लगा फील हो रहा होगा कि इंग्लिश फीलो का बैट है। आपको देखने में एहसास हो रहा होगा कि इंग्लिश फीलो का बैट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये करके दिखाऊं कि किस तरह से बैट का बैलेंस बन रहा है, तो रियली ऑसम बैट बन रहा है। कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं है, वेट में एकदम बिल्कुल लाइट वेट है। वेट में भी हो सकता है 1050-1100 ग्राम्स के होंगे, लेकिन आप जब हाथ में लेंगे ये बैट को तो बिल्कुल भी आपको वेट जो है फील नहीं होगा। इसका मतलब है ये बैट जो है बहुत ही अच्छे क्वालिटी का जो विलो है उसमें यूज किया गया है, जिसकी वजह से ये बैट जो है आपको बहुत अच्छा देखने को भी मिल रहा होगा और बैलेंस भी इसकी काफी अच्छी है। तो ये देखिए आपको रावण बैट दिख रहा होगा, इसका ये प्रोफाइल है। सबसे पहले इसका प्रोफाइल देख सकते हैं आप, यहाँ पे रावण लिखा होगा। इसका जो है ये सैम स्पोर्ट्स का है बेसिकली, तो यहाँ पे सैम स्पोर्ट्स अगर दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैम स्पोर्ट्स का लोगो दिख रहा होगा, सैम स्पोर्ट्स के थ्रू ही आया है। तो इसका जो ये प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल का आपको मैं सबसे पहले ग्रेन्स दिखाना चाहूंगा। ग्रेन्स आप देखिएगा यहाँ पे, बहुत ही ऑसम है। ये इसका फ्रंट व्यू है, इसका साइड व्यू आप देखिए, यहाँ पे आपको रावण लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसका बैक प्रोफाइल है, 4 स्कूप में बैट है। इसका स्पाइन आप देखिएगा कितना जबरदस्त है, स्कोप जो है काफी फिनिशिंग के साथ दी गई है, और यहाँ पे जो है ये आपको जो है बाइंडिंग करके दी गई है, थ्रेडिंग जिसको बोलते हैं। इससे क्या होता है आपका जो विलो का जो है वो लाइफ जो है लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो इसका एक अनदर साइड है आपका रावण का। तो ये आपने इसका जो है प्रोफाइल देख लिया, तो इसका जो है बना के नहीं दिया गया है, लेकिन इससे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप जब खेलेंगे, जब हार्ड सरफेस पे खेलते हैं तभी टोका का यूज होता है। तो आप जब क्ले पे नॉर्मल पिच जो होते हैं क्ले वाले उस पे खेलेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और विलो का आप कलर देख ही रहे होंगे, रेडिश एंड ब्राउनिश पे है, दो कलर इसमें दिख रहे होंगे। तो चलिए मैं जो है इसको सबसे पहले आपको मेजर करके दिखाता हूँ कि इसका जो वेट कितना है और इसकी लेंथ कितनी है। इससे पता चल पाता है कि बैट की जो क्वालिटी है और बैट का जो बैलेंस है सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। तो मैं सबसे पहले जो है आपको जो है मेजर करके दिखाता हूँ और ये करवा लेंथ चेक करा देता हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो मेरे पास जो है ये इंची टेप है, इससे मैं आपको लेंथ करवा देता हूँ, इसकी लेंथ जो है वो कितनी है। लेंथ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे 35 दिख रहा होगा, यहाँ पे 35 आप देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है, एग्जैक्ट 35 है। और इसकी हैंडल अगर बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है 10 इंच से ज्यादा मिल रहा है, और ब्लेड जो है 25 इंच से थोड़ा लेस है। तो ये आपने इसका लेंथ देख लिया है। और इसके अगर थिकनेस की बात करें तो मेरे पास ये जो है एक डिजिटल वर्नियर कैलिपर इसको बोलते हैं, इससे जो है आपको मेजर हो पाएगा इसका जो थिकनेस होता है वो। इससे मेजर करके दिखाता हूँ,
तो मेजर जो है मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा इसका जो है कितना है, इसके बाद पहले मैं जीरो करके आपको दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये इंच में है, साइड में आपको जो है इंच दिख रहा होगा, यहाँ पे इसका जो मेन स्पाइन है वहां से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए 2.05 इंचेस है, मतलब ये जो है आपको बहुत ही औसम है। और इसका जो स्पाइन है बहुत ही अच्छा स्पाइन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका स्पाइन जो है काफी उठा हुआ होगा। डॉल्फिन प्रोफाइल का है ये बेड, तो आपने जो है ये थिकनेस देख लिया। टो की बात करें, अगर इसी का अगर थिकनेस की बात करें एमएम में, तो एमएम में भी आपको मैं चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आपको एमएम दिख रहा होगा साइड में, तो मैं एमएम में दिखा देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो एमएम और इंचेस में। कुछ लोग होते हैं जो एमएम में अच्छे से रीड कर पाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं 49.8 एमएम है, कहीं कहीं पे 50 भी होगा आपको। तो इसका जो एमएम है वो 49.5 है एमएम है, तो ये डबल प्लेट का हो गया। जब 40 से अबव जाता है तो ये बैट जो है कोई भी बैट हो वो डबल प्लेट का ही कहलाएगा उसको। तो इसका जो अगर टो की बात करें तो टो में आप यहाँ पे मैं टो का जो है वो दिखा देता हूँ आपको, टो कितना है। टो अगर देखना चाहे तो टो यहाँ पे आप देख सकते हैं 32.mm का है, 32.6mm का दिख रहा होगा। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो ब्लेड इसका बॉटम का जो है वो थिकनेस कितना है, 28.2mm है, यहाँ पे आप क्लियर शो हो रहा होगा क्लियरली। तो ये आपने बॉटम देख लिया और साइड का ये देख लिया है थिकनेस। तो सबसे पहले मैं आपको जो है इसका वेट करके दिखाता हूँ, ये वेट जो है इस बैट का कितना है। इससे आपको क्या होता है, बैट कोई कोई होता है जो कुछ प्लेयर्स होते हैं उनको जो है लाइट वेट पसंद होते हैं, किसी को हैवी वेट, तो ज्यादातर अगर लाइट वेट ही पसंद करते हैं। तो मैं आपको जो है वेट करके मेजर करके दिखाऊंगा, मेरे पास ये वेग मशीन है, तो मैं आपको जो है वेग मशीन से आपको चेक करके दिखाऊंगा इसके वेट कितना। मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप जीरो है। अब मैं यहाँ पे बैट रखूंगा इसको, तो आपको जो है 1134 ग्राम्स के होंगे आपको, यहाँ पे आप क्लियर शो हो रहा होगा 1134 ग्राम्स है। तो इसका जो है ये एक्चुअली क्या होता है ना, जब फ्रेश फिलो होते हैं तो इसमें जो है आपको मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से जो है वेट थोड़ा ज्यादा रहता है। और ग्रिप जो होता है उसका भी वेट होता है 50-20 ग्राम्स के होते हैं, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्रिप हो तो उसका जो है 30-40 ग्राम्स के भी होते हैं। तो इस तरह से जो है वेट आपका रिड्यूस हो जाएगा, इस चीज के लिए आप बेफिक्र रहें। जब बैट यूज करेंगे आफ्टर मंथ जो है आपका 20-30 ग्राम्स जो है आपको वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो आपने ये सब देख लिया, आपका लेंथ देख चुके हैं और फिर इसका जो है थिकनेस देख लिया है, तो मैं आपको जो है इसका पिंग टेस्ट करके दिखा देता हूँ ताकि इसमें जो है पता चल सके कि इसे स्ट्रोक कितना है। तो मेरे पास ये जो है तीन बॉल है, एक विक्की का बॉल है सॉफ्ट टेनिस में, 80-90 ग्राम्स के बीच का होता है ये विक्की, सॉफ्ट टेनिस कहलाता है। विक्की का मेरे पास सेम चीज है, हार्ड टेनिस है ये, इसका जो है 120-130 ग्राम्स के बीच का होता है। और मेरे पास एक लेदर बॉल है, लेदर बॉल का जो वेट होता है 150-160 ग्राम्स के बीच में होता है। तो चलिए मैं जो सबसे पहले आपको जो है विक्की बॉल से जो सॉफ्ट टेनिस है उससे मैं आपको पिंक टेस्ट करा के दिखाता हूँ किस तरह का इसका स्ट्रोक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं चेक करा देता हूँ आपको ताकि इसमें पता चल सके स्ट्रोक किस तरह का है। आप देख सक पा रहे होंगे कितना इजीली हाइट तक जा रही है बॉल, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, इट मीन्स के जो है ये विंडो बहुत ही शानदार है। मेरे पास जो है विक्की का ये हार्ड टेनिस है, इससे मैं पिंक टेस्ट करा दूंगा आपको ताकि आप देख लें कि इसमें स्ट्रोक किस तरह के। ये जो है हार्ड टेनिस के लिए सूटेबल है, लेकिन आप दोनों से खेल सकते हैं, आप जो है दोनों से खेल सकते हैं, हार्ड टेनिस से भी और सॉफ्ट टेनिस से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो आपने जो है विकी से भी देख लिया, हार्ड टेनिस से भी देख लिया और सॉफ्ट टेनिस से भी देख लिया इसका पिंकनेस। अब मैं लेदर बॉल से दिखाने वाला हूँ। लेदर बॉल से मैं एक वार्निंग देना चाहूंगा कि लेदर बॉल से जो है ये बैट जो है लेदर बॉल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो आप लेदर बॉल इसका इस्तेमाल ना करें यहाँ इस बैट से। और अगर कोई भी हार्म होता है इस बैट पे अगर लेदर बॉल खेलने से, तो सैम स्पोर्ट्स जो है बिल्कुल भी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपकी होगी बैट को कोई भी हार्म पहुंचता है तो। चलिए मैं सबसे पहले जो है आपको दिखा देता हूँ लेदर बॉल से पिक टेस्ट। देखा इसमें भी स्ट्रोक है लेदर बॉल के लिए, लेकिन लेदर बॉल से क्या होता है कि इसमें जो है ना थोड़ा सा निशान आ जाते हैं, क्योंकि इसमें जो पंची हुई रहती है प्रेसिंग उस तरह से नहीं की जाती है जिस तरह से लेदर बैट के लिए बना, लेदर बॉल के लिए जो बैट बनते हैं उस तरह के। तो आपने ये चीज देख लिया है कि ये बैट जो है किस तरह से, अगर आपको लेना है ये बैट तो मैं इसका जो है डिस्क्रिप्शन में जो है सारा लिंक दे दूंगा और इसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। और आप अगर न्यू है देख रहे इस वीडियो पे इस चैनल पे, तो प्लीज जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।